हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो टीम कुछ दिन पहले तक सबसे टेबल में सबसे नीचे थी और बाहर होने वाली टीम, उसने टूर्नामेंट इतिहास का सबसे बढ़िया कमबैक करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें बेंगलोर की, जिसने लास्ट मैच में सीएसके को हराकर टॉप चार में जगह बनाई। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करेंगे राजस्थान रॉयल, जो एक वक्त पे सबसे टॉप में थी, टीम पहले 9 मैच में से 8 में जीत के आई थी। यहाँ से शायद ही किसी ने सोचा होगा कि टीम टॉप 2 में फिनिश ना कर पाए, लेकिन इसके बाद टीम एक जीत के लिए तरस गई, लगातार 4 मुकाबले हार गई, टीम नंबर 3 पे आ गई है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीएल 2024 का एलिमिनेटर महा मुकाबला इन्हीं दोनों टीमों के बीच में खेला जाएगा। एक तरफ जहां पे आरसीबी है, तो वहीं दूसरी साइड हमें राजस्थान देखने को मिलेगी, या एक तरह का नॉकआउट मुकाबला होगा। जो भी जीतेगा वो आगे बढ़ जाएगी और हारने वाली टीम का सफर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। यह मैच आपको 22 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हिट रेट देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 31 मैच खेले गए, जिसमें से राजस्थान 13 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पे बेंगलोर 15 मैच जीत के आ रही है। अगर कैंसिल की बात करें तो टोटल 3 मैच कैंसिल हुए हैं। अब बात करते हैं इनके पिच रिपोर्ट, जहाँ पे अहमदाबाद की पिच स्लो है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 177 के आसपास का है। बैटर्स को यहाँ पे स्ट्रोक प्लेइंग में इजी होगा, स्पिनर्स को फायदा मिलेगा। लास्ट के कुछ मैचों बाद यहाँ बैटिंग करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करेंगे तो जहाँ पे मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 44% रहेगा और टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं कि विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 52% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 48% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 173 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 162 है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम राजस्थान रॉयल्स का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। लगता है कि राजस्थान की टीम को नज़र लग गया है, क्योंकि पहले 9 में से 8 मुकाबले जीतने वाली टीम ने राजस्थान की टीम विजय रथ को पिछले 4 मैचों में ब्रेक लग गया और टीम लगातार 4 मैच हार गई है, और लास्ट गेम टीम बारिश के चलते जो कि कैंसिल हो गया था, जिसका खमियाजा राजस्थान को ही भुगतना पड़ा। टीम 17 पॉइंट पर ही रुक गई, बेहतर रन रेट के कारण हैदराबाद की टीम टॉप 2 में चली गई, जबकि दोनों के 17 पॉइंट ही थे। टीम को बड़ा झटका लगा, उसका स्टार बैटर जॉस बटलर, जो कि वापस इंग्लैंड लौट चुके हैं, उनकी जगह कॉलर कैटमोर को चांस मिला था। ओपनिंग में बात करेंगे जो कि यशस्वी जायसवाल, जो कि फ्लॉप चल रहे हैं। वहीं पे मिडिल ऑर्डर में टीम की ताकत संजू सैमसन, रियान पराग, यही दोनों बैटर हैं जो कि हर मैच में रन बना रहे हैं, जहाँ पे पराग ने 531 रन बना के टीम के लीडिंग स्कोरर भी है। वहीं पर सिमरन हेटवाइन को भी ड्रॉप करके उनकी जगह डेवन फॉररियो को चांस मिला था, जहाँ पर रोवन पॉवेल अब तक इफेक्टिव इनिंग नहीं खेल पाए। बॉलिंग में बात करेंगे, टीम 5 रेगुलर बॉलर के साथ खेल रही है, सभी बॉलर विकेट भी ले रहे हैं, जहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने 13 मैच में 12 विकेट लिए हैं। वहीं पर संदीप शर्मा ने 10 और अवेश खान ने अब तक 13 विकेट ले चुके हैं। स्पिन बॉलिंग में जहाँ पर अश्विन और चहल है, चहल ने 17 विकेट के साथ टीम के टॉप विकेट टेकर भी है। अब बात करते हैं राजस्थान का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि यशस्वी जायसवाल है, टॉम कॉलर कैडमोर है, संजू सैमसन है, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, अवेश खान है, रोवन पॉवेल है, रविचंद्र अश्विन है, युजवेंद्र चहल, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट है। अगर इम्पैक्ट प्लेयर में बात करेंगे, जो कि केशव महराब है, डिनॉन फरारिया है, कुलदीप सैन है, नवदीप सैनी है, नादेव बर्गर है। अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि संजू सैमसन, रियान पराग और यूजी चहल है। अब अगर बात करते हो दूसरी टीम यानी बेंगलोर का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे टीम ने असंभव को संभव करके देखा है। एक वक्त पे शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आरसीबी टॉप 4 में जगह बनाएंगे, लेकिन टीम ने यह कारनामा कर दिखाया। नंबर 10 से नंबर 4 तक के सफर में टीम ने लगातार 6 मुकाबले जीते, इस दौरान टीम को किस्मत का साथ भी मिला। टीम ने 14 मैच खेले, जिसमें से 7 ही मैच में जीत हासिल की है। लास्ट के में टीम ने सीएसके को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वहीं पे कोहली आईपीएल में 800 रन पूरे करने में महज 29 रन से दूर है, वे इस मैच में ही इस रिकॉर्ड को हासिल करना चाहेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले बैटर्स होंगे। ओपनिंग में बात करेंगे, जो कि विराट कोहली और कैप्टन डु प्लेसिस अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। कोहली इस वक्त 708 रन बनाकर ऑरेंज कैप होल्डर भी पहने हुए हैं। वहीं पर डु प्लेसिस ने लास्ट के में 54 रन बनाए थे। नंबर 4 पर बात करेंगे जो कि रजत पाटीदार अच्छे स्ट्राइक रोट से बैटिंग कर रहे हैं। लास्ट गेम में मैक्सवेल को भी चांस मिला था, कैमरॉन ग्रीन भी अच्छे फॉर्म में देख रहे हैं। लो ऑर्डर में जहां पर दिनेश कार्तिक है, महिपाल लोमरोड जो कि बैटिंग कर रहे हैं, वहीं बॉलिंग में टीम ने टारगेट सेव किया था। टीम ने टोटल 7 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई किए, जिसमें से मोहम्मद सिराज 13 मैच में 13 विकेट लिए है। वहीं पर स्पिन बॉलिंग में कांत शर्मा खेल रहे हैं, यश दयाल भी टीम का ट्रम्प कार्ड है, जो प्रूव हो सकते हैं।
लास्ट गेम में उन्होंने लास्ट ओवर में टारगेट को डिफेंड किया था, 15 विकेट लेकर के वो टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। वहीं पर लॉके फर्गुसन जो कि पेस अटैक को लीड करेंगे, कैमरन गेन भी विकेट ला सकते हैं। अब बात करते हैं बेंगलोर का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि फैफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, रजत पाटीदार, कैमरन गेन, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, स्वप्निल सिंह, यशदयाल कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज और लॉके फर्गुसन है। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि व्यास, विजय कुमार है, हिमांशु शर्मा, आकाश देव, महिपाल लोमरा, अनुज रावत, अगर की प्लेयर की बात किया जाए जो कि फैफ डु प्लेसिस है, विराट कोहली, यशदयाल है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच में बेंगलोर होगा, क्योंकि मैच की परफॉर्मेंस बात करेंगे रिसेंटली तो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी नीचे से ऊपर तक आई है। यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को घर जाना पड़ेगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।